हेलो एंड वेलकम बैक टू द शेफ विपिन लाड़ा चैनल। तो आज अपन बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। बहुत सी कमेंट्स आए हैं, बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं कि गोभी मंचूरियन बनाइए। तो फाइनली आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो है गोभी मंचूरियन। आप सभी को पता है गोभी का सीजन चल रहा है, तो गोभी मंचूरियन के बिना थोड़े ना जाने देंगे गोभी के सीजन को। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको इंडियन स्टाइल के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए अपन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन के लिए मैंने क्या कर लिया है, देखो छोटे छोटे फ्लावर्स काट लिए हैं गोभी के, आप जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से देख पा रहे होंगे आप। छोटे छोटे बस इतने से ही काटने हैं, जैसे आप इसको फ्राई करोगे जस्ट इसकी डबल शेप हो जाएगी, एकदम परफेक्ट साइज है। तो अपन सबसे पहले बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत मैदा ले ली है। आप मैदा थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग टू माई फ्लावर्स के हिसाब से मैंने ले लिया है। आप यहाँ पे थोड़ा अरारोट भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे अरारोट को ऑप्शनल मान रहा हूँ। आप चाहो तो ऐड करो, नहीं चाहो तो मत भी ऐड करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देख लीजिए आप, ये मैंने मैदा ले लिया अराउंड 50 ग्राम, ठीक है जी। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, थोड़ा इंडियन स्टाइल बनाने के लिए थोड़ी सी, देखो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, सिर्फ कलर के लिए, ऐसे और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। इसके अंदर और अपन अपना सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, ठीक है जी। अब अपन इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, होममेड है ये, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अपन ने अपने इंग्रेडिएंट्स थे मैदा के साथ वो सारे ऐड कर लिए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करूंगा, जिससे कि बैटर तैयार हो सके। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि पानी कितना ऐड करना है मैदा में, ठीक है जी। तो आपका जो बैटर है देख लीजिए, कंसिस्टेंसी परफेक्ट, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। आप चाहें तो जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो एकदम फाइन भी बना सकते हैं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। देख लीजिए परफेक्ट बन गया अपना बैटर तैयार। जैसे ही बैटर तैयार हो जाता है तो ये जो गोभी के फूल है जो मैंने काटे हैं छोटे छोटे, वो इसके अंदर डिप कर देंगे। तो अपन ने अपने जो गोभी है उसको इसके अंदर डिप कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए अपन इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि जो टेस्ट है मसाले का वो अच्छे से गोभी के अंदर आ सके, ठीक है। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे अपन उसको। तो देख लीजिए आपके जो गोभी के फूल हैं और जो बैटर के अंदर अच्छे से मिल चुके हैं। अपन अब क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम ऑयल के ऊपर, ठीक है। देख लीजिए, अगर आपको कोटिंग ज़्यादा मोटी चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ी जो मैदा है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और बैटर को थोड़ा थिक बना सकते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया है, अपने ऑयल को हॉट मीडियम यानी कि मीडियम हॉट कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा हॉट मीडियम। थोड़ा सा आपको बैटर लेना है और उसके अंदर ऐड कर लूँगा मैं, देख लेना। देख लीजिए एकदम परफेक्ट ऊपर आ गया ना आराम से, देख लीजिए आप देख पा रहे होंगे अच्छे से ऊपर आ गया ना, मतलब आपका जो ऑयल है वो एकदम परफेक्टली बन चुका है यानी कि रेडी है ये। अब अपन इसके अंदर जो गोभी के लच्छे हैं अब हम क्या करेंगे, इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से पकाना है, कुरकुरी करना है, और एकदम अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसको लगातार अपने को धीमी आंच के ऊपर इसको पकाते ही रहना है, ठीक है जी। बस जब तक ये पक नहीं जाती तब तक हम इसका थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। देख लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे बन जाएगी, अभी बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो आपके जो पकोड़े हैं देख लीजिए आप, पक चुके हैं बढ़िया तरीके से पक चुके हैं, और आवाज़ देख लीजिए आप एकदम क्रिस्पी बने बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब अपन क्या कर लेंगे, तो आपके देख लीजिए ये पकोड़े हैं, आप पहले तो आवाज़ सुनिए इसकी, देख लीजिए मैं अच्छे से आवाज़ सुना रहा हूँ आपको, कितने क्रिस्पी हैं इससे आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अंदर से दिखा रहा हूँ इसको तोड़, देख लीजिए आवाज़ देखिए आप, देख लीजिए अच्छे से पक गया ना अंदर से भी, बढ़िया तरीके से पका है, देख लीजिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ गोभी को कभी भी फ्राई करके गोभी को भी बॉयल करके फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। पहली स्टेप क्लियर कर लिए, जो अपने मंचूरियन है वो एकदम तैयार हो चुके हैं। तो अब सेकेंड स्टेप है अपनी कि अपने को अब सॉस बनाना सीखना है। तो आइए एक जल्दी से सॉस बना लेते हैं, और उसके बाद इसकी प्लेटिंग करते हैं और इसको फिनिशिंग देते हैं। वही पैन ले लिया जिसमें मैंने अभी फ्राई किया था ना,
वो कौई ले लिया और उसके अंदर 2 टेबलस्पून के तकरीबन ऑयल ऐड कर लिया। इसके अंदर अब मेरे को क्या करना है, ये रही जिंजर और ये रहा गार्लिक, इन दोनों को ऐड कर लूँगा और अच्छे से इनको पका लूँगा। चॉप की हुई है जिंजर गार्लिक, फ्लेम फुल रखनी है क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर ही आपकी चाइनीज़ रेसिपीज़ बनती हैं, ठीक है। थोड़ा सा पकते अपने को ग्रीन चिली, ग्रीन चिली को भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ऐड करना है चॉप किया हुआ अनियन। देख लीजिए, बस अपने को सिर्फ इनको ऐड ही करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पकाया, ऐड किया थोड़ा बहुत पकाया और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल देना है अपने को इसके अंदर, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ये स्प्रिंग किए हुए स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पोर्शन ये थोड़ा सा ऐड कर दूँगा। इसके बाद में अपन जो वाइट पोर्शन होता है वो ऐड कर दूँगा। तो अपन ने चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पोर्शन और वाइट पोर्शन ऐड कर लिया है, ठीक है जी। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगा, थोड़ा बहुत ही पकाना, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा बहुत हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सोया सॉस अराउंड 2 टेबलस्पून थिक सोया सॉस है ये, पहले ही बता दूँगा आपको। यह है रेड चिली सॉस, यह है 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर, थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर और यह है टोमेटो सॉस, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट कर दिए ऐड, अब कर देंगे अपन इसको अच्छे से मिक्स। तो अपन ने अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने सॉसेस को, जितने भी अपने को सॉसेस चाहिए थे। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ टेस्ट के हिसाब से अपने को सॉल्ट ऐड कर देना है। अपने को पकाना था पका लिया, उसके अंदर अब कैप्सिकम थोड़ी बहुत क्यूब की हुई कैप्सिकम और क्यूब किया हुआ अनियन ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब अपन इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे जिससे अपना सॉस तैयार हो सके, ठीक है। अब अपने को अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना, थोड़ी देर के लिए बस, जब तक इसके अंदर उबाली नहीं आ जाती, थोड़ा वेट कर लेते हैं अपन। अब तो अपने जो सॉस के अंदर उबाली भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट अपना सॉस है वो भी तैयार हो चुका है, बस थोड़ी देर और पकाना है अपने को, ना के बराबर अराउंड 30-40 सेकेंड और पका लेंगे अपन। सॉस का कलर देख लीजिए एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो अपन ने थोड़ी सी मैदा ले ली है, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल लेंगे अपन। यहाँ पे अरारोट का आटा भी ले सकते हैं अपन, वो अपने के ऊपर डिपेंड करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने को बढ़िया तरीके से, ठीक है। देख लीजिए अपना जो स्टार्च है वो एकदम तैयार हो गया। स्टार्च से क्या होगी, अपनी जो सॉस है, एक दो स्टार्च से क्या होगी, इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर आएगा, अपने जो सॉस है इसके अंदर एक क्रीमी टेक्सचर आ पाएगा, ठीक है। अपने को क्रीमी टेक्सचर भी चाहिए जिससे कि एक अच्छा टेस्ट आ सके अपने। 3 टेबलस्पून इनफ है। अब अपना स्टार्च डालने के बाद में अपना जो सॉस है वो एकदम तैयार हो चुका है, देख लीजिए एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला सॉस, बेहतरीन सॉस एकदम तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं कर दूंगा फ्लेम बंद, अब सिर्फ अपने को असेंबल करना है और उसकी गार्निशिंग करनी है अपनी रेसिपी। अपना सॉस तैयार, इसके साथ में आप फ्राइड राइस भी खाते होंगे, फ्राइड राइस की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे भी लिंक है, प्लीज जाइए और उसको देखिए और दोनों का कॉम्बो बना के एंजॉय कीजिए घर पे। सर्दियों का बेस्ट रेसिपी आपकी गोभी मंचूरियन और प्लस फ्राइड राइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू।